विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज टीवी में आप सभी का स्वागत है। पूर्व नागपुर के डिप्टी सिंगल में जय मां भवानी सेवा समिति की ओर से चुनरी चढ़ाव उत्सव एवं भव्य झांकियों का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं से लेकर बच्चों तक सभी ने इन झांकियों का आनंद लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जय मां भवानी सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारका शाहू जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भव्य झांकियों का प्रारंभ डिप्टी सिंगल से पार्डी के भवानी मंदिर में संपन्न हुआ। जय मां भवानी सेवा समिति संस्था के संस्थापक श्री कन्हैया शाहू, उपाध्यक्ष हेमंत जी छोरमार, कोषाध्यक्ष गौतम जी गुरुपंच, सह कोषाध्यक्ष गोलू जी सिन्हा, उपसचिव सतीश जी सोनवने, कार्याध्यक्ष नारायण जी रायसेदार, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यकर्ताओं में मुरली रायसेदार, पवन रायसेदार, कविता रायसेदार, निकिता रायसेदार, खुशबू रायसेदार ने झांकियों में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को नई रूपरेखा दी। जय मां भवानी सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारका शाहू जी गत 17 वर्षों से सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों को प्रोत्साहन देकर सफल बनाते हैं। द्वारका जी, आप कितने सालों से ये नवरात्रि का जो कार्यक्रम है डिप्टी सिंगल में आप कार्य कर रहे हैं? हम लोग ये कार्यक्रम 2004 से शुरुआत हुई है और छोटे से छोटे छोटे कार्यक्रम करते करते, छोटे रैली करते करते हम लोग आज हमारी यानी 2019 में आज 16-17वां साल हो रहा है। माँ भवानी का यहाँ से चुनरी चढ़ा के हजारों लोगों को साथ में लेके चलते हैं। आप इस शोभा यात्रा की मेन आपने नेतृत्व किया है, शोभा यात्रा का किस प्रकार का अनुभव आपको मिला? मुझे यहाँ अनुभव ऐसा है कि मैं छोटे से लेके आ रहा था और छोटी छोटी रैली में करते करते मुझे अनुभव ऐसा हुआ कि एक विशाल करना चाहिए। और मेरे जनसंख्या, मेरे जो कार्यकर्ता, मेरे जो साथी है, उन लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किए कार्यक्रम में और करते ही आ रहे हैं। उनकी बदौलत से माँ भवानी की कार्यक्रम इतने विशाल यात्रा करने को मिला है, मैं उनका बहुत आभारी भी हूँ। द्वारका जी, मुझे ये बताइए कि धार्मिक कार्य की बातचीत करें तो धार्मिक कार्य में जैसे आज नवरात्रि जो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है माता का, उस पर्व के उपलक्ष में जो युवक है वो धार्मिक कार्यों को, भजनों को, जागरण को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनका ध्यान इस तरफ केंद्रित नहीं है, तो इसके लिए अभी तक आपने क्या क्या प्रयास किए? अब नज़रअंदाज इसलिए करते कि आज के इस युवा लोग क्या है, मोबाइल हो गए उनके पास में, वो लोग मोबाइल में सभी यूट्यूब में सब पूरे देख लेते हैं, इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेते। और आज हमारे कार्यक्रम में ऐसे इंटरेस्ट लेते हैं कि वो हमारे साथ में, हालांकि वो धार्मिक है, धार्मिक की लाइन में उनको देना पड़ता है कि बेटा ऐसा है, इससे ऐसा होता है, उससे ऐसा, उससे अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छे आगे बढ़ेंगे, ये सब देके उनको मनाना पड़ता है। ये शोभा यात्रा कहाँ से निकली और कहाँ पर ख़त्म हुई? ये शोभा यात्रा हमारे डिप्टी सिंगल हनुमान मंदिर परिसर से, हमारे घर के पीछे है वो परिसर से हम लोग वहाँ से लेके जाते सीधा डिप्टी सिंगल घुमाते हुए बाजार चौक, मिनी माता नगर, भरत नगर, भरतवाड़ा होती है, पूनापुर पार्टी में समापन होती है। पूनापुर पार्टी में समापन होता है इसका। हमारे चैनल के माध्यम से किस प्रकार का संदेश उन नवयुवकों को देंगे जो आज धार्मिक कार्यों से वंचित है? उनको तो ये संदेश देना चाहिए कि आज आप लोग गलत नजरिया और गलत ये न रखें, आज धार्मिक लाइन में आए, धार्मिक लाइन में आने से मन शांति होती है और विचार शुद्ध और शुद्ध होता है विचार। आज लोग की नज़रिया ऐसा है कि माँ बहन बेटी पर ज़्यादा नज़र रखते हैं, तो ये चीज़ ना करके अपने ही घाटा है। आज धार्मिक लाइन में रहेंगे तो सत्य के मार्ग और सत्य बुद्धि, आदमी की सोच सत्य सही रहती है, विचार सही होती है, यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। ऐसी और भी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी।